कि जब शूद्रों की बेटी पैदा होती थी जी, अगर बहुत खूबसूरत रहती थी तो इनको ये मंदिरों में भेजते थे हरि सेवा के लिए। शूद्रों का जब बेटा पैदा होता था पहला जी, तो उसको गंगा दान करवाते थे, माने जिंदा ही उस बच्चे को गंगा में फेंकवा देते थे। शूद्र कन्याओं के साथ संभोग कब करते थे? 5 दिन ब्राह्मण के यहाँ रहेगी, ब्राह्मण उसका शुद्धिकरण करेगा जी। शुद्धिकरण का मतलब कि वो लेके सोते थे, 5 दिन बेटी उनकी घर रहती थी और फिर वो बेटी विदा होकर ससुराल जाती थी। आज हमारे चैनल पर बहुजन नायक आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। नमस्कार। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे यह है कि इतिहास में हम लोग किताबों में पढ़े हैं, उसमें लिखा रहता है सर कि ब्राह्मण जो होते हैं वो शूद्र कन्या के साथ भोग करते थे लोग, क्या पहले? जी पहले, क्या सत्य है? 100% सत्य है जी। उस समय लोगों ने परंपरा बनाया था, बहुत सारी परंपरा हमारे महापुरुषों ने लड़ करके खत्म किया जी। जैसे जो कन्या विधवा हो जाती थी जी, तो ये लोग नियम बनाए थे कि जो विधवा हो गई जी, उस विधवा को जिंदा ही जी उसके पति के साथ ही चिता पर दहन कर देना चाहिए, विधवा को जीने का अधिकार नहीं है जी। इसकी सर्वप्रथम लड़ाई सावित्री बाई फूले के पिताजी जी खांडो जी थे जी, उन्होंने ये लड़ाई लड़ा, खांडो जी लड़े इस लड़ाई को कि पति मर गया तो जिंदा जलाने का एक कौन सा नियम है और उसे क्या जीने का अधिकार नहीं है जी। ये लड़ाई लड़े खांडो जी, महाराष्ट्र के थे जी। और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार से जी इस पर लड़ाई किया, कानून बना करके इस प्रथा को हटाया जाए जी। तो अंग्रेजों ने इस प्रथा को खत्म किया जी। उसके बाद जो बात आप कहे हैं कि ये शूद्र कन्याओं के साथ संभोग कब करते थे जी, कई रूप था। पहले ये नियम था जी, इन लोगों ने बनाया था जी। 21 दिन का क्या मतलब है सर? 21 दिन नहीं, 21 दिन, 5 दिन, 3 दिन जी, मतलब जैसन पंडित जी का क्षमता रहा जी जी, ओकरे हिसाब बनौ ले रहा जी कि 3 दिन से 21 दिन तक अनिवार्य है ओकर शुद्धिकरण कर। अच्छा जी। वो शुद्धिकरण आज भी कर रहे हैं। कैसे? जैसे मुर्मू का भयल, राम गोविंद का भयल, अखिलेश यादव के कुर्सी का भयल जी, केवल रूप बदल गया है, अभी मानसिकता उनकी चेंज नहीं है जी। अब ऐसा रूप धारण करेंगे तो पकड़े जाएंगे। बता रहा हूँ जी, नियम ये बनाए थे कि शूद्रों का जब बेटा पैदा होता था पहला जी, तो उसको गंगा दान करवाते थे, माने जिंदा ही उस बच्चे को गंगा में फेंकवा देते थे जी। क्यों? कि अगर पहला बेटा जिसका जी गया जी, तो पहली संतान तेज तर्राक अगर निकल गई जी, तो हमारे लिए खतरा बनेगा। अगर पहला फेंक देंगे तो एक दुश्मन भी गया और उसके शोक में दिमागी रूप से वो कमजोर हो जाएगी जी। फिर दोबारा अगर बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता, पहला फंडा जी। दूसरा इनका था कि जब शूद्रों की बेटी पैदा होती थी जी, अगर बहुत खूबसूरत रहती थी तो इनको ये मंदिरों में भेजते थे हरि सेवा के लिए जी, कि ये हरि की यानी भगवान की सेवा करेगी जी। और वो लड़की जब बड़ी हो जाती थी मंदिरों में, तो मंदिर का पुजारी उस लड़की के साथ रेप करता था जी। और उससे जो औलादे पैदा होती थी वो कहे कि ये हरि की औलाद है, हमने जो गीत गाया था कि पुरखन के अपने पंडित देवता का हवन जी, इन्हीं बातों पर हमने सिद्ध करके उस गीत को गाया था। हरि माने अगर भगवान है जी, तो संभोग तुम क्यों कर रहे हो जी। और वहां से जो बच्चा पैदा होता था तो उसका कहते थे कि ये हरि का लड़का है, उसको ये सब हरिजन कहते थे जी।
भगवान के लोग, भगवान के बच्चों को हरजन कहते थे, उन हरजनों को फिर चमार कहने लगे जी। ये थोड़ा बहुत शोषण नहीं किए, बहुत काफी किए। और जो बेटियां घर जब धीरे 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 वो समाप्त हो गया जी, यहां मुगलों ने कुछ शुद्ध कराया, कुछ औरंगजेबों ने शुद्ध कराया जी, फिर इन लोगों ने ये नियम बनाया कि बेटी जो इनकी पैदा होती है, जब वो बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी होगी, तो कम से कम 5 दिन ब्राह्मण के यहाँ रहेगी। नियम था जी, 5 दिन ब्राह्मण के यहाँ रहेगी, ब्राह्मण उसका शुद्धिकरण करेगा जी। शुद्धिकरण का मतलब कि वो लेके सोते थे, 5 दिन बेटी उनकी घर रहती थी और फिर वो बेटी विदा होकर ससुराल जाती थी। ये नियम था। इस नियम को भी अंग्रेजों ने ही खत्म कराया जी। कि अन्याय हो रहा है, बहुत सारी कहानियां इन लोगों की है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने ही कहा कि ब्राह्मणों को हर पद दिया जाना चाहिए, लेकिन न्यायिक पद इनको नहीं मिलना चाहिए, इन्हें कोर्ट में जज बनाने का मतलब कि न्याय नहीं होगा, क्योंकि इनका न्यायिक चरित्र है ही नहीं है। काफी दिनों तक रोक लगा था, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का भाव पैदा किया, और क्योंकि जो जज बैठेगा वो संविधान को मानेगा, संविधान के अनुसार वो फैसला करेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि सभी लोग जज बन सकते हैं जी। लेकिन संविधान की शपथ लेकर के कि संवैधानिक रूप से ही सबको न्याय मिलेगा, अपने मन से आप न्याय नहीं दे सकते जी। उस जमाने में ये नियम था कि ब्राह्मण 100 गलती करे, उसकी गलती को एक प्रसाद समझ करके मान लीजिए, उसका विरोध मत करिए। शूद्र अगर गलती करता है तो उसको उल्टा टांग करके मारिए, उसका गला काट लीजिए, उसको आग में जला जला करके मारिए, ये नियम था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा गुलदस्ता तैयार किया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी, सबको उन्होंने सम्मान दिया जी, लेकिन ये सब उनको मानने के लिए तैयार है नहीं है। ये संविधान इनको रासे नहीं आ रहा है, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं संविधान मुर्दाबाद, संविधान को जला रहे हैं जी। एक कौए जो बैठे हैं जी, कांव कांव करने वाले, देश में बेमनस्ता फैलाने वाले, इनके पास हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर बहुजन समाज के बहुत बड़े बड़े नेता भी लोग गए हैं, नहीं तो वो सब नाराज होंगे कि अध्यक्ष जी हमारी भी बुराई कर रहे हैं। नेता यहाँ किसी भी समाज का हो, समाज के लिए नेता नहीं चलता है, जो समाज के लिए चलता है वो नेता कहता ही नहीं है, उसको सब पागल कहते हैं। यहाँ जो एक बार जीत गया वो क्या अपन बेटी बेटा घर द्वार मेहरी लड़का बीबी टीबी लखनऊ में घर दिल्ली में घर गांव में घर घर ले रोड, वो अपने चक्कर में पड़ा है, समाज से फिर उसका मतलब खत्म हो जाता है। सर यही बाबा साहब किए होते, आज उनके पूर्वज भी, बाबा साहब अगर ये किए होते तो आज ये इतनी नशे में नहीं होते। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं भगवान क्यों कहता हूं, क्योंकि भगवान का कोई शब्द नहीं है जी। लेकिन भगवान उसे कहा जाता है कि जो अतूट हो, जिसके सम्मान के आगे फिर कोई शब्द न हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर भगवानों के भगवान थे, बस ये मान लीजिए। उतना बड़ा त्याग बलिदान करने वाला है और समाज के लिए, समाज को इतनी बड़ी हैसियत में पहुंचाने वाला अब तक कोई पैदा नहीं। वो चाहते तो बहुत संपत्ति बना चुके होते सर। वो संपत्ति से उनका कोई मतलब नहीं था जी। वो समाज के लिए जी रहे थे, समाज के लिए पढ़ रहे थे, समाज के लिए लड़ रहे थे। तो मैं इसीलिए अपील करता हूं अपने भारत के 85 मूल निवासी समाज, जो 6,500 जातियों में बिखरा समाज है, ये सारे लोग बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब को माने और बाबा साहब को जाने जी, और ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब की विचारधारा को समाज में फैलाएं कि आने वाले समय और जो देश का युवा है वो बाबा साहब को पढ़े जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। सादर जय भीम।